चलिए सौरभ कुमार 3 क्यों लिखा आपने? महिमा गुड इवनिंग, मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, आज क्वेश्चन नंबर हम 4 करने जा रहे हैं। 3 क्योंकि अभी 3 भी करूंगा मैं, 4 करूंगा तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएंगे आपके, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर पहले हम करते हैं आपके सामने स्क्रीन पे, हालांकि दिख रहा है। अब जिसको क्वेश्चन विजुअल नहीं है वो बता सकता है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं नहीं तो। चलिए आई थिंक क्वेश्चन हर किसी को विजुअल है, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन विजुअल है ना आपको? आप सभी को क्वेश्चन विजुअल है, जल्दी जल्दी यस और नो। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है हमने लास्ट क्लास में कितना कर लिया था कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट और कहां कहां पे क्या यूज होता है ये देख लिया था। जो स्टूडेंट आज न्यू एडिड हैं वो उनको मैं, कुछ बच्चों का कॉल आना था, जैसे अंजलि है और एक और स्टूडेंट है शायद शिवम आई थिंक, उसको मैं कॉल पिक नहीं कर पाया क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इंटरनेट की। अभी अभी मैंने बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, इसलिए मेरा रीजन है इस पे आने का। तो डोंट वरी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं इसको और कहीं भी डाल देता हूं ताकि सभी बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, डन। पर्टिकुलर यहां लिखेंगे, थोड़ा पतला कर लेते हैं। और यहां अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है मिस्टर ए फर्निस्ट, मिस्टर ए ने फर्निस्ट किया फॉलोइंग डेटा, मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, ठीक है पता है। अब देखिए रॉ मटेरियल परचेज है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, यानी ये डायरेक्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी दे रखा है। मशीन आवर वर्क, अब मशीन जो है ना ये फैक्ट्री में वर्क होगा, तो मशीन आवर वर्क अगर आपको कहता है तो ये फैक्ट्री में वर्क होगा। और हमें मशीन आवर फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालेंगे? अगर हमारे मशीनरी मान लो 500 घंटे चलते हैं और 2 रुपए खर्चा आता है, तो 1,000 रुपए का खर्चा टोटल आएगा जो कि हम फैक्ट्री के अंदर काउंट कर लेंगे, ठीक है ना? टोटल खर्चा 1,000। तो इसी तरीके से यहाँ पे 900 घंटे चलेगा और हमारा 5 रुपए पर रेट है, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, 900 घंटे चलेंगे 5, तो 4,500 रुपए का आपका खर्चा आ जाएगा किसमें? मशीनरी में। कोई बात नहीं, कैरिज इनवर्ट डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, इसके बाद एडमिन एडमिन का पार्ट है, सेलिंग ओवरहेड 50 पैसे पर यूनिट है, और आपको ओपनिंग फिनिश गुड्स देता है, अनसोल्ड यूनिट यानी यूनिट सोल्ड भी दे दिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस हम एक में ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि अलग अलग बनाना है। जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वहां तक को बोलते हैं हम कॉस्ट शीट, उसके बाद को प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम इसी के अंदर कवर करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले हमारा है रॉ मटेरियल परचेज, तो रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल। परचेज, रॉ मटेरियल परचेज अमाउंट क्या है हमारा? 15,000 रुपए। 15,000। इसके बाद और देखते हैं ओपनिंग, तो ओपनिंग इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक, इसे मैं अंदर ही लिख देता हूं 4,000, मैं टोटल करके बाहर लिख दूंगा, ठीक है 4,000। माइनस कर देते हैं इसमें से क्लोजिंग, क्लोजिंग 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 है हमारा 5,000। हर बच्चों को क्लियर विजुअल है ना? एक बार और मैं कंफर्म करना चाहता हूं, हर एक स्टूडेंट को क्लियर विजुअल है? आप मुझे बता दीजिए, नहीं तो आपके पास नंबर है मेरा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता चलेगा कि किसको विजुअल है किसको नहीं है। तो मेरा नंबर है, जिसको भी विजुअल ना हो प्लीज आप एक बार व्हाट्सएप पे कर देना, मुझे मैसेज कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है ना? और बाकी तो पूरा विजुअल होना चाहिए। क्या था मेरा पेन? व्हाइट पेन था। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना? अब इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद माइनस का 1,000 यहां पे आएगा, माइनस का 1,000 रुपए, माइनस का 1,000। अब क्या आएगा यहां पे? और आएगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यहीं का पार्ट है ये, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री का नहीं है, डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट का ही पार्ट है। अमाउंट इसने बताया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 9,000 रुपए, 9,000 रुपए, ठीक है। चलिए इसके बाद कहता है कैरिज इनवर्ड, यहां पे आवर रेट भी है लेकिन पहले कैरिज इनवर्ड को ले लेते हैं, ये भी डायरेक्ट है। ओहो क्या लिख दिया मैंने, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, ठीक है। कैरिज इनवर्ड कितना है हमारा? 1,000 रुपये, इसी का पार्ट है। अब हमें एडमिन क्या यहां पे आएगा, और सारी चीजें हमने यहां पे मेंशन कर दी है, यूनिट सोल्ड भी हमें पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, यहां से डायरेक्टली जो हमारा निकलेगा फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग को नाम देते हैं हम प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट जो है हमारा वो कितना आएगा? एक बार टोटल कर लेते हैं, प्राइम कॉस्ट 15,000 माइनस 1,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000, 24,000 प्राइम कॉस्ट आ गया, 24,000। अब यहां पे क्या आएगा प्राइम कॉस्ट के बाद? प्राइम कॉस्ट मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर करता जाऊंगा, क्योंकि यहां पे या मैं दिख रहा हूं तो अब शायद आपको विजुअल हो। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, यहां क्या लिखेंगे? फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवर हेड। अब फैक्ट्री ओवर हेड में अगर आप ध्यान से देखो तो किस तरीके से बताया, इसने बताया हमारे इतने आवर है और 5 रुपए के हिसाब से। तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे क्वेश्चन में निकालेंगे, 900 घंटे तो मशीनरी चला मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल 4,500 रुपए का खर्च आएगा, टोटल 4,500 का खर्च आएगा, ठीक है ना? टोटल जो आएगा वो आएगा हमारा 4,500 रुपए का खर्चा। सर इसके अंदर
बस यही एक्सपेंस आएगा। तो यहाँ पे जो आपको मशीन आवर दे रखा है ना, वो सब कुछ जोड़ के दे दिया उसने रेट, के रेंट वेंट सब जोड़ के दे देते हैं ये कई बार, ठीक है। तो 4500 रुपये का हमारा खर्चा आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग जनरेट होगा, जल्दी जल्दी बताइए नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बताइए क्या होगा। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट हेडिंग होगा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो नेट फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, वर्क कॉस्ट, इसी को हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। अच्छा सर जी, हाँ इसी को वर्क कॉस्ट भी कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब रूपा ने आंसर दिया। इसको लिखेंगे 28500, 28500। नाउ आगे चलते हैं, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद अगली हेडिंग जनरेट हो जाएगी हमारी। अगली हेडिंग आएगी हमारी एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड में देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो आप, कहता है क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड में कि जो एडमिन ओवरहेड होगा वो 20% ऑन वर्क कॉस्ट का होगा। तो आपको पता है वर्क कॉस्ट ये रहा, तो हम कैसे निकालेंगे 20%, 28500 मल्टीप्लाई बाय 20%, क्लियर। तो 28500 का 20% 5700, 5700, 5700, ठीक है 5700, ये हमने इधर कर दिया। कुछ बच्चों को मे बी क्वेश्चन देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं अपने आप को दूसरे साइड शिफ्ट, नहीं कोई फायदा नहीं है शिफ्ट करने का, चलिए मैं इसको और ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ तक हर बच्चों को समझ में आ रहा है, और ऊपर लेके चलते हैं इसको, फिर मैं एक साथ ही आपको पूरा विजुअल कर दूंगा, ठीक है। 20% ये यहां तक हो गया है, अब यहां का क्वेश्चन बच गया। चलिए इसके बाद इसको टोटल करते हैं, तो 28500 ये आ गया 34, 34200, 34200। सर ये 34200 क्या आया, ये आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, बिल्कुल सही जवाब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया तो अगला जवाब आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, अब क्या ऐड करें इसमें, जल्दी जल्दी बताइए क्या ऐड करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आ ही गया है, इसके अंदर हमको ऐड क्या करना चाहिए और अगला स्टेप क्या आएगा, बिल्कुल ठीक, इसमें क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, प्लस ओपनिंग एफ जी, एफ जी समझते हो, समझते हो ना एफ जी, फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में ओपनिंग एफ जी कितना है, ओपनिंग एफ जी कहता है 2000 यूनिट है और 150 रुपए पर यूनिट है। आई थिंक इस क्वेश्चन में 150 की जगह पे ना 1.5 यूनिट होना चाहिए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 34200 डिवाइडेड बाय 2, 34200 डिवाइडेड बाय 1600, बिल्कुल। ये ना आपके बुक में भी मिसप्रिंट है, तो बुक के अंदर भी ठीक करिएगा, और यहाँ टाइपिंग में भी एरर हो गया है हमारा, तो ये ना 150 नहीं है, 150 रुपए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुक को करेक्ट करिए फटाफट से, कुछ नई बुक में मे भी हो गया हो, करेक्ट हो चुका हो,
तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5, तो जवाब क्या आएगा? 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी 3000 रुपए। अब जो चीज हम इस क्वेश्चन में सीखने वाले हैं वो देखते हैं, लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग एफ जी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफ जी। तो क्लोजिंग एफ जी आपको क्वेश्चन में तो गिवन ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है यूनिट सोल्ड, और आपको ये पता है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस करें, ठीक है ना, कितने यूनिट प्रोड्यूस करें ये पता है, और आपका सेलिंग पता है आपको, एक यूनिट सोल्ड कितने का किया। तो चलिए अब देखते हैं, हमने जो फॉर्मूला लिखा था यूनिट प्रोड्यूस का, यूनिट सोल्ड का, वो क्या लिखा था? मैं आपके साइड में लिखता हूँ, यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये मैं लिखता हूं, यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू क्या था? ओपनिंग, ओपनिंग यूनिट प्लस प्रोडक्शन क्या? ये पूरा फॉर्मूला लिखा है, जल्दी जल्दी बताइए, इसमें और कुछ भी होना चाहिए? माइनस, माइनस होना चाहिए क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा सा स्पेस इधर आ गया, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, मैं इधर ही आ जाता हूं। चलिए इसको हटाइए, मिट जाओ भाई साहब, अब इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है, दूसरे मार्कर से लिख लेते हैं इसको। मैंने बताया था यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक, रूपा ने ठीक जवाब दिया, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, ये फिनिश वाले हैं, ठीक है ना, प्लस प्रोडक्शन, माइनस क्लोजिंग, जैसा कि जवाब आया। अब अगर आप बताइए, मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूं और एक कोई इस लाइन में से मिसिंग कर दूं तो क्या फाइंड किया जा सकता है? जवाब यस सर, फाइंड किया जा सकता है। क्वेश्चन में देखिए प्रोडक्शन दे रखा है, तो प्रोडक्शन की जगह पे मैं प्रोडक्शन लिख देता हूं, प्रोडक्शन दे रखा है तो प्रोडक्शन की जगह पे प्रोडक्शन लिखने जा रहा हूं, 17100। अब क्वेश्चन में देखा जाए तो 16000 यूनिट सोल्ड है, तो सोल्ड की जगह पे सोल्ड लिख दिया, 16000 सोल्ड की जगह पे सोल्ड लिख दिया। अब देखा जाए ओपनिंग स्टॉक, आपको पता था ओपनिंग स्टॉक, देखो हमने यहां निकाला भी था, कहां गया? ये रहा, 2000 यूनिट लिखा भी था, देखो इस साइड में, और यहां भी क्वेश्चन में गिवन है कि 2000 यूनिट है, तो 2000 यूनिट है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे यूनिट का खेल है, यहां पे ध्यान रखिएगा यूनिट का खेल है बस, अमाउंट नहीं। कई बच्चे बोले सर 2000 यूनिट हो गए तो 3000 लिख दो, नहीं, माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग तो पता ही नहीं है, तो इजीली फाइंड किया जा सकता है। अब मैं क्लोजिंग निकाल के दिखाता हूं आपको, क्लोजिंग कैसे आएगा? हम क्या करेंगे, 2000 प्लस 17100 माइनस में 16000, तो क्लोजिंग आ गया 3100 यूनिट, 3100 यूनिट। पहले यहां तक बताइए समझ में आया या फिर नहीं आया, 3100 यूनिट क्लोजिंग हमने यहां दिखा दिया है। अब इस यूनिट को मैं यहां लिखने वाला हूं 3100, 3100 यूनिट। अच्छा सर इसको मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, बिल्कुल। अब मल्टीप्लाई किससे करते हैं? लास्ट क्लास में याद होगा कैसे सीखा था हमने, हमने देखा था कि कॉस्ट यूनिट के हिसाब से हम मल्टीप्लाई कर देते थे। यहां मल्टीप्लाई, 3100 रुपए का आंसर भी आ गया, और यस बिल्कुल ठीक जवाब। अब 3100 यूनिट, 3100 यूनिट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसके रेट निकालने पड़ेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक का रेट याद होगा मैंने बताया था फैक्ट्री से बाहर निकल रहा है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट है वही आएगा। अच्छा सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही रेट आएगा, अभी देखते हैं। चलिए ये मैं यहां पे 3100 यूनिट है, मैं यहां लेके आता हूं क्वेश्चन के सामने, आपको क्वेश्चन के सामने। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये है,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा कितना आया? 34,200। और इसमें कितने यूनिट बने थे? तो देखिए यूनिट गिवन है आपको 17,100, तो इसको डिवाइड अगर कर दे 17,100 से तो आपका रेट आ गया 2 रुपए, रेट आ गया 2 रुपए। तो अच्छा दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना? चलिए मैं हट जाता हूं यहां से थोड़ा सा। 2 रुपए, क्लियर है विजुअल? मैं अपने आप को साइड में शिफ्ट कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख देता हूं। था 34,200 डिवाइडेड बाय 17,100 का यूनिट रेट इज इक्वल टू 2 रुपए। अब तो दिख गया, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी कॉस्ट आपको पड़ी है 2 रुपए के हिसाब से, तो उसी में से तो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा ना आपका, उसी में से क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का अगर यूनिट पता है तो रेट भी पता चल जाएगा। फिर से मैं बता देता हूं, मैंने क्या बताया था, जैसे सपोज करो यहां पे हमारे पास स्टार्टिंग में कितने हैं, 2,000 यूनिट है, और मैंने बना कितने लिए जी, बना लिए मैंने कितने कितने 17,100 बना लिए, तो टोटल कितने हो गए, 19,100। अब 19,100 बनाए, इसमें से 1,600, अगर 16,000 बिक गए तो जो बचा हमारे पास 3,100, ये 3,100 कौन से में से बचा होगा, इस वाले में से बचा होगा, ठीक है? 2 रुपए का रेट आ गया, 2 रुपए का अगर हमारा रेट आ गया, एक बच्चे ने, महिमा ने तो जवाब भी दे दिया सर 62 रुपए होगा, वेरी गुड, ये लीजिए मैंने 62 रुपए लिख दिया है। चलिए 62 कह रहा हूं, 6,200 रुपए, तो इसको माइनस करते हैं। पूरे क्वेश्चन की जो जान है ना वो यही है, यही एग्जामिनर आपसे मेहनत करवाएगा, ठीक है? चलिए मैं कैलकुलेशन को शिफ्ट कर देता हूं, अब इधर लेके चलते हैं आपको दिखाने के लिए, और आपके सामने क्वेश्चन भी है, ठीक है? क्वेश्चन भी है, दिखना चाहिए। सेल्स करा है आपने 4 रुपए का, और सेलिंग एक्सपेंस भी था हमारे पास 50 पैसे पर यूनिट है, ठीक है? चलिए अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने हुए, 34,200 प्लस में 3,000 माइनस 6,200, ये 31,000 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है। ओके जी सर, इसके बाद क्या करते हैं इसमें प्लस, बताइए बच्चे बताइए क्या करते हैं प्लस इसमें? सर इसमें प्लस करते हैं, बिल्कुल सही जवाब, इसमें प्लस करेंगे हम सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहाँ है क्वेश्चन में, तो बताइए सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। अभी बताते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है कि सेलिंग ओवरहेड जो होगा, अरे ये अच्छा व्हाइट है, व्हाइट पे थोड़ी ना दिखेगा, रेड दिखेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, जो हमारा सेलिंग ओवरहेड होगा वो सेलिंग ओवरहेड होगा 50 पैसे पर यूनिट सोल्ड। अच्छा इसका मतलब एक यूनिट बेचेंगे तो 50 पैसे का खर्चा, और 2 यूनिट बेचेंगे तो 1 रुपए का खर्चा, और 100 यूनिट बेचेंगे तो, 100 यूनिट बेचेंगे तो आगे का खर्चा हमारा 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब हमने तो बेचे हैं 16,000 यूनिट, 16,000 यूनिट बेचे हैं। ओके सर हम निकाल सकते हैं यहां पे बड़े आसानी से, बिल्कुल ठीक जवाब, 1,600 यूनिट मल्टीप्लाई 16,000 यूनिट बेचे थे इनटू में 50 पैसे, 0.5, 0.5, तो 16,000 इनटू 0.5 8,000 रुपए की कीमत आ गई, 8,000 की कीमत आ गई। अब जो मेरे पास बचा है, थोड़ी लाइन को लंबी कर देते हैं यहां तक, 31 और 8, ओहो क्या हुआ, 31 और 8, कलरफुल पेन,
39,000, ये आ गया हमारा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, ये क्या आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब क्वेश्चन में हमें, ओहो सेल्स पता है, सेल्स को लिख देते हैं। सेल्स कहता है क्वेश्चन में कि सर आपका सेल्स हुआ है 16,000 यूनिट और एक यूनिट हमने 4 रुपए का बेचा है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, जिसके पास बुक है वो तो देख ही रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो मैंने पहले दिखा दिया। तो 64,000 का आपने सामान बेचा है, बिल्कुल मैंने 64 का सामान बेचा है, तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? एकदम प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट यही तो निकालना था, प्रॉफिट। ये क्या होगा हमारा? एक बैलेंसिंग फिगर होगा। ओके, तो -39,000 -64,000। महिमा ने तो आंसर भी दे दिया, वेरी गुड महिमा, वेरी वेरी गुड, बच्चों को समझ आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बच्चे ने बोला सर क्वेश्चन नंबर 3 भी करा दीजिए। चलिए हम आपको इसको एक पेज पे दिखाते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोशिश करते हैं कि एक पेज पे दिख जाए। ठीक है, ये लीजिए, आपको एक पेज पे मैंने पूरे क्वेश्चंस को दिखा दिया। अब किसी का कोई भी डाउट है बिना किसी डाउट के पूछिए, कोई भी डाउट है। तो 3 में कहता है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, रॉ मटेरियल, मशीन आवर, मशीन आवर रेट। अरे क्वेश्चन रिपीट, बिल्कुल सेम। 3 होमवर्क, 3 में होमवर्क रहेगा, करिए जल्दी जल्दी। बताइए किसी का कोई डाउट, नहीं तो हम आगे प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मैं पीडीएफ असाइनमेंट में डाल दूंगा, और बाकी आप अब तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, है कि नहीं? किसी का डाउट है तो पूछिए फटाफट। रूपा अभी करना है? नहीं, ये होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे असाइनमेंट में से। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो असाइनमेंट दिया है ना, तो आपके बुक में क्वेश्चन उल्टा पुल्टा यानी आगे पीछे हो सकता है, तो एक बार मैच करके आपके बुक के ही क्वेश्चन है उसको टिक कर लें, और टिक करके अच्छे से लिख लें बस, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं बस। ताकि आपको मैं अपने बुक के, मेरे पास ये देखो, ये मैंने फोटो कॉपी करा रखी है, इससे मैं पढ़ा रहा हूँ, और इसी को मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में, तो मैं अपने बुक में लिख रहा हूँ। आप भी एक काम करें, एक क्वेश्चन नंबर लिख लें। तो मेरे असाइनमेंट के हिसाब से 2 होमवर्क रहेगा, सॉरी 2 तो कर लिया था, 3 होमवर्क रहेगा, 4 कर लिया। 5 क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर मारते हैं, क्या कहता है जी 5 क्वेश्चन? इसको भी अभी हम करने वाले हैं 5 क्वेश्चन को, चिंता ना करें बिल्कुल भी, 5 क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल, सारे क्वेश्चन प्रॉमिस किए हैं तो करके दिखाएंगे आपको। सौरभ हो गया, नो डाउट। और किसी बच्चे का कोई डाउट बताइए, डाउट है तो मैं डाउट लेने का वेट कर रहा हूं, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करूंगा। है क्या कोई डाउट? यहाँ पे तो ये भी नहीं पता चल रहा कौन कौन बच्चे ऑनलाइन हैं। चलो कोई बात नहीं, डाउट होगा तो बता देना, ये डिजिटल है इसके अंदर तो मैं आपको दिखा सकता हूँ पीछे बैक करके। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नो नो डाउट सर, ओके हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा करने का मैंने बोला था? मैंने बोला था कि हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 कहाँ गया? 5 करते हैं, 5। सेवन। थ्री। अरे, 5 का थोड़ा सा हिस्सा इधर उधर हो गया है, तो मैं 5 क्वेश्चन दिखा दूं एक बार आपको। शायद पेज डिलीट हो गया मेरे से गलती से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है, अभी 4 तो किया है, यही तो है क्वेश्चन नंबर 5 का हिस्सा, मैं कहां जा रहा हूं? ये देखिए, इसको एक काम करते हैं, क्वेश्चन 5 को कट कर लिया जाए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, कट कर लेते हैं। एड टू न्यू पेज। न्यू पेज में ऐड करें, ये लीजिए, आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 5। और बाकी का हिस्सा क्वेश्चन नंबर का ये रहा। बाकी का हिस्सा ये रहा। चलिए, मुझे लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा ये पिक्चर। तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बना दिए मैंने। ये लीजिए, बन गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। हर बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक अब तो विजुअल है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, और ऊपर जो लिखते हैं हम लिख देते हैं कॉस्ट शीट, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी है, क्वेश्चन नंबर 5 यहां भी दिख रहा है, एक बार पढ़ देते हैं, पढ़ने के साथ साथ करेंगे। कहता है, विजय इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एक्स ऑन द 1 जन 2012 और देयर वर 5000 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट। तो गौर करिए आप एकदम, क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, जो यूनिट है 5000 फिनिश प्रोडक्ट के, इसे ध्यान देने वाली बात है। अदर ओपनिंग स्टॉक, डेट देखिए, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या देता है ये? ओपनिंग स्टॉक में कहता है वर्क इन प्रोग्रेस का है। ओपनिंग स्टॉक किस किस का है? एक वर्क इन प्रोग्रेस, एक रॉ मटेरियल का है। ओके, और वर्क इन प्रोग्रेस का देखिए यहाँ क्लोजिंग भी है और रॉ मटेरियल का यहाँ क्लोजिंग भी है, यानी यहाँ पे हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बनने वाला है। डायरेक्ट मटेरियल का आपको अमाउंट दे दिया इसने, डायरेक्ट लेबर का अमाउंट दे दिया, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल ये भी। तो ये सारे के सारे जो हमारे हैं, ये सारा प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड है। फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल परचेज और कैरिज इनवर्ड, दोनों का मतलब ना एक ही होता है, आपको ध्यान रखना है। इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री से रिलेटेड, ये दोनों हैं फैक्ट्री से रिलेटेड।
रॉ मटेरियल आपका तो हो ही गया, इसके बाद यूनिट सोल्ड कहता है आपको, ये है इनडायरेक्ट मटेरियल, ये फैक्ट्री से रिलेटेड है इनडायरेक्ट मटेरियल। आगे कहता है देयर आर, बट कॉल नॉट लिफ्टेड। यस विनोद, थोड़ा सा क्या था अभी थोड़ी प्रॉब्लम होने के बाद, विनोद का कहना है टेक्स्ट क्लास के लिए, डेफिनेटली विनोद थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इंटरनेट की वजह से, इसलिए मैंने कॉल पिक नहीं कर पाया, किसी के भी बहुत सारे मिस कॉल आए हुए हैं, मैं सबको फ्री ओके किक करके कॉल करूंगा मैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ी क्लास भी, एक क्लास मिस ना हो जाए इसलिए मैं टेक्स्ट के लिए बताऊंगा आपको सोल्यूशन कुछ ना कुछ। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, चलिए आते हैं बैक टू क्वेश्चन। देर आर 5000 यूनिट फिनिश स्टॉक और 15000 यूनिट फिनिश स्टॉक इन हैंड 31 मार्च, तो इस लाइन का क्या मतलब समझे, ये हमारा क्लोजिंग है, डेट देखिए क्या है, ये क्लोजिंग है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। अच्छा जी, आपको अमाउंट दिया ही नहीं, सिर्फ यूनिट दे दिया, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे, ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा तो नहीं होगा, यहां पे कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब कहता है स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट अज्यूम द ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट द सेम पर यूनिट फिनिश कॉस्ट एट द एंड। ओहो, यहां ओपनिंग स्टॉक भी है, अब ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का कहां है देखना पड़ेगा हमें। आ, आ, 1 जनवरी को फिनिश प्रोडक्ट, ये रहा, ये तो नजरअंदाज कर दिया था, यानी ओपनिंग स्टॉक भी है यहाँ पे और क्लोजिंग स्टॉक भी है। और आपको क्वेश्चन क्या कहता है कि आप ध्यान रखें, एक बार ध्यान से अंडरलाइन करता हूं, क्या कहता है, कहता है ये कि यहां से अज्यूम अज्यूम दैट ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज टू बी वैल्यूड एट द सेम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश स्टॉक एट द एंड, मतलब कहता है जो क्लोजिंग का रेट निकालोगे ओपनिंग का भी वही मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, डायरेक्ट मटेरियल है हमारा 906, 906, 906, 900, 900, ठीक है। इसके बाद हमारा 906, 900, इसके बाद डायरेक्ट लेबर, पहले हम ओपनिंग का यहां काम कर लेते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, ये रहा रॉ मटेरियल का, जो आ गया हमारा 116200। और सर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा रॉ मटेरियल का 96400, ये तो होगा माइनस, ठीक है सर ये माइनस होगा, कर देते हैं माइनस लगे हाथ, 16200 माइनस में 96400, तो ये आ गया 19800, करेक्ट 19800। और क्या है इसमें, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर कितने का है, उतना सारा 326400, बहुत ज्यादा है ये तो। डायरेक्ट लेबर के बाद फ्रेट ऑन, ये भी यहीं का पार्ट है हमारा, फ्रेट, फ्रेट, फ्रेट ऑन, रूपा ने जवाब भी दे दिया है, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल कितना है, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल पे 55, 55, 700, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, नहीं जी। अब जो हेडिंग जनरेट होगा उसको लिखते हैं क्या नाम, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट,
सर प्राइम कॉस्ट कितना आएगा देख लेते हैं, 9069600 और 19,800 32,6600 55,700, ये आ गया 130 8,800, ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या आ गया, 1,30,000, ओहो 13,88,100, ये आ गया, लाखों में डिजिट चल रही है ये, कोई बात नहीं। इसके बाद क्या आएगा हमारा, इसके बाद हमारा आएगा फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या कहता है क्वेश्चन में, सबसे पहले फैक्ट्री ओवर में कहता है हमारा, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इनडायरेक्ट लेबर, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, बिल्कुल। काफी बच्चे जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि उनको समझ में आ रहा है। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कितने का है हमारा, इनडायरेक्ट लेबर हमें गिवन है, कहाँ गया भैया मेरा इनडायरेक्ट लेबर, 1,21,600, 1,21,600। और क्या है हमारा इसके अंदर, और हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट अभी ऊपर करता हूं, चिंता मत करो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कितने का, इनडायरेक्ट मटेरियल 2,13,000, 2,13,900, ओ माय गॉड, बहुत सारे खर्चे हैं। तो चलिए, चलो भाई ऊपर, ओके अगले पॉइंट पे चलते हैं, इस लाइन को और नीचे, ओहो ये क्या हुआ, लाइन टेढ़ी मेढ़ी, चलिए इसको जोड़ने के बाद अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा क्या, क्या आएगा वो आएगा हमारा ग्रॉस, ग्रॉस फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री प्लस में 12,16,000 21,390, ये आ गया ग्रॉस फैक्ट्री 16,64,4300, ओहो 16,64,4300, 4300, ठीक है 16,44,300। अब यहां पे क्या लेना है हमें, यहां पे हमें लेना है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में क्या लिखेंगे, ओपनिंग, ओपनिंग WIP, बिल्कुल सही WIP, और माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग WIP। अब ओपनिंग WIP कहाँ है, चलिए देखते हैं कहाँ है, ओहो यहाँ कैसे आ गए भाई साहब आप, आपको ऊपर जाना है, ओपनिंग WIP है 57,400, 57,400, यहां भी लिख सकते हो आप, बाहर भी लिख सकते हो, मेरा जहां मन करता है मैं लिख देता हूं। माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग 78,200, ये रहा क्लोजिंग 78,200, इसके बाद लिख देंगे, सही
57 400 माइनस 78 200, ये माइनस का आ गया 20 0 800, माइनस 20 0 800। इसमें अदर फैक्ट्री ओवरहेड है क्या? ओहो सही, अदर फैक्ट्री ओवरहेड भी तो यही आएगा, भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं एक एक करके। ओहो ये तो पूरा बढ़ जा रहा है, चलिए कोई नहीं, इसको अदर फैक्ट्री ओवरहेड हम इसको पूरे को बिल्कुल सही बोला आपने। अब हम क्या करें, यहीं पे एडजस्ट करते हैं, या मैं मिटा देता हूँ, जल्दी जल्दी कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैं इसे अभी मिटा रहा हूँ क्योंकि एक चीज मैं भूल गया, यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है, कर देते हैं एडजस्ट, पता तो चली गया, क्यों थोड़ा सा टाइम आपका भी खराब करें। यहाँ पे लिख देते हैं अदर फैक्ट्री ओवरहेड, ये ध्यान नहीं दिया था मैंने, और अदर फैक्ट्री ओवरहेड 3,17,300, 3,17,300, 3,17,300। अब इसे मिटा देते हैं, अब बताते हैं कितना आया, 1,30,88,00, 1,30,88,00, 1,21,600, 2,139,00, 3,17,300। ये 19 लाख, ये जो रिजल्ट आया ना, 19,61,600। स्पीड बिल्कुल ठीक है धीरे धीरे, क्योंकि मैं ये इस मान के चल रहा हूँ आप साथ के साथ नोट भी कर रहे हो, अगर स्पीड तेज करना हो तो बता देना, मैं स्पीड तेज करके फटाफट लिख दूंगा। और ये नेगेटिव का है, ब्रैकेट जरूर डालना, माइनस 20,800, ये आ गया 19,40,800, 19,40,800, 19,40,800। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया ना हमारा 19,40,800, इसको पता है क्या नाम देंगे, नेट फैक्ट्री, ओहो कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, इसमें प्लस क्या कर देंगे, एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, ठीक है एडमिन एक्सपेंस। अब एडमिन एक्सपेंस प्लस करना है, एडमिन एक्सपेंस क्वेश्चन में क्या है एक बार देखते हैं हम फटाफट से, ये यहाँ कैसे आ गया भाई, चलो भाई आप डिलीट हो जाओ यहाँ से, ठीक है एडमिन एक्सपेंस। अदर फैक्ट्री ओवरहेड है, स्टॉक रॉ मटेरियल है, इनडायरेक्ट, और मजे की बात क्वेश्चन में एडमिन तो दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में एडमिन तो दिया ही नहीं है, तो क्या एडमिन लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन में एडमिन नहीं दिया है तो क्या एडमिन लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। अब जो ये वाला हेडिंग आया ना नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन है ही नहीं, चलो मैं शून्य जीरो मान लेता हूँ, जीरो। और इसके बाद जो हमारा हेडिंग जनरेट होगा, जो हेडिंग जनरेट होगा वो होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने का, सेम अमाउंट, सेम अमाउंट। अब इसके अंदर हम प्लस करेंगे,
जो मुद्दे के काम मेन है हमारे लिए, हम क्या करेंगे इसके अंदर? प्लस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक देखा जाए तो सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन मैंने ऊपर कर दिया है, आप सभी के पास बुक है। तो ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट है और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के अंदर बताता है हमें कि 15,000 यूनिट है। और जो यूनिट सोल्ड किए हैं वो 1.5 लाख यूनिट सोल्ड किए हैं, 1.5 लाख यूनिट। तो सर हमारे पास ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला है इसको अगर हम यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड कर दे तो 1 यूनिट का रेट आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में यूनिट ऑफ प्रोडक्शन दिया ही नहीं। तो अगेन कैसे निकालेंगे? फिर से वही फॉर्मूला, यूनिट सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। अब यहां पे हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू जो जो है। यूनिट सोल्ड 1.5 लाख, यस सर बुक है, ओके। कुशल का है सर, फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आएगा? मैं भी क्लियर करता हूं। ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट है? 5,000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक 5,000 यूनिट प्लस 5,000, ओहो 11 भी बज गए हैं, पता ही नहीं चला बातों बातों में। क्लोजिंग स्टॉक है और प्रोडक्शन क्या है मान लेते हैं, हमारा पता ही नहीं है। एक्स माइनस क्लोजिंग क्या है? 15,000। टाइम का पता ही नहीं चलता यार। अब इसके अंदर देखिए आप कैसे निकालेंगे, जो ये निकलेगा ये क्या निकलेगा? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्यों निकाल रहे हैं हम? ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड कर पाए और 1 यूनिट का रेट निकाले और यहां मल्टीप्लाई करके हम आगे आंसर की तरफ बढ़ पाए, इसलिए सिर्फ। तो यहां पे देखा जाए तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूं, 1.5 लाख माइनस में 5,000 माइनस प्लस 15,000, तो ये आ गया 1,60,000। एक्स की वैल्यू 1,60,000 रुपए, रुपए नहीं है ये यूनिट है, निकल गया मेरे मुंह से रुपए, वो ये यूनिट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये यूनिट है। इसके बाद देखा जाए तो आगे देखते हैं हम, यूनिट निकालने के बाद पर यूनिट रेट भी निकाल लेते हैं हम। रेट रेट कैसे होगा? 1,940,800 डिवाइडेड बाय ये तो क्या था अमाउंट, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000। हाँ अभी आता हूँ मैं। हाँ तो 1,94,800, ओहो 1,940,800 60। रेट देखिए 12.13 एग्जैक्ट आया है ये, तो ऐसा नहीं 12.1 से कर दें, 12.13 और यहाँ पे भी 12.13। ओके अब बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, 12.13 मल्टीप्लाई तो 60,650, अलग मार्कर से ले लेते हैं, माइनस वाले को तो रेडी कर देता हूं, और इसका आएगा 15,000 इंटू 12.13 181,950। वेरी गुड, रूपा का फटाफट जवाब आ गया सर, ये आएगा। ओके आप भी कमेंट में, कैलकुलेटर आपके पास है? मैं तो बहुत आराम से कर रहा हूँ, बहुत आराम से ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, ठीक है। 1,940,800 प्लस 60,650 माइनस 181,950,
ये आ गया 181, ओहो 181, 9500, 9500 इसी इसी से खींच देते, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये जो रिजल्ट आएगा हमारे पास निकल के, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलिए और ऊपर चलते हैं, इसके अंदर क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस, इसमें प्लस कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस। अब सेलिंग एक्सपेंस क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहता है सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ओ माय गॉड, क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं है। कोई बच्चा देख रहा है सेलिंग एक्सपेंस है क्या, नहीं है। अब यही क्या आ जाएगा हमारा, देखो मैं ये चीजें यहां पे क्या करता जा रहा हूं, हटाता जा रहा हूं, तो आप इसकी जो हेडिंग देंगे ना, इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स दे देंगे, ये जो हेडिंग है ना इसी को कॉस्ट ऑफ सेल्स दे देंगे। सेलिंग एक्सपेंस जीरो मैंने लिख दिया ताकि फॉर्मेट आपके माइंड में रिकॉल रहे, और कोई कारण नहीं है। इसके बाद अगला हेडिंग आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 181950। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? नो सर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी सारा हमने समझा है। चलिए अब इसमें प्लस कर देंगे, क्या प्लस करना होगा, प्रॉफिट। और सर प्लस क्या करना, हमें सेल्स तो गिवन है ना, बिल्कुल देखिए सेल्स गिवन है आपको, मैं यहां पे लिख देता हूं सेल्स, सेल्स। चलिए सेल्स कितने कहते हैं, कहता है कि सेल्स किया है हमने 1.5 लाख यूनिट और 30 लाख रुपए का सेल है, 30 लाख रुपए का, 10 और 30 लाख का, तो -30 लाख, बहुत मुनाफा हो गया यहां तो, 1 लाख 118,0500। आप सभी के बुक में होपफुली आंसर होगा, मेरे पास तो आंसर भी नहीं है, तो एक बार फटाफट से चेक करके बताइए आंसर आ गया 118,0500, 118,05, बिल्कुल ठीक, रूपा ने बताया आंसर आ गया है। कुशल सिंह बिल्कुल ठीक, 0,160,000। और बताइए किसी का कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी बताइए आप। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं होमवर्क में भी देने वाला हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन होमवर्क में सर, बिल्कुल क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में रहेगा। जो प्रीमियम बच्चे एप्लीकेशन के हैं उनके आप देख सकते हैं, बुक भी मैंने रेफर कर रखा है और उनको मैंने असाइनमेंट डाउनलोड उसमें असाइनमेंट में दे रखा है पीडीएफ, तो वो चेक करके अपने बुक में मैच कर लें, उसी के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। और जो बच्चे नए हैं वो एप्लीकेशन पे आके वो जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, और कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद, क्वेश्चन नंबर 8, सर एप्लीकेशन कौन सी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, शिक्षा धाम के नाम से 8 भी करना है। सर आप तो क्वेश्चन हमसे ही करवाओगे, बिल्कुल 9 भी करना है, 9 के बाद, 9 के बाद, 9 मैं भी करवाऊंगा, इस पे स्टार बना देते हैं, आप एक बार ट्राई करिएगा। 9 के बाद 10, 11, 12, 10, 11, 12, होमवर्क बहुत ज्यादा दूंगा मैं, और 13, बस अभी इतने करिए, 2-3 क्लास में खत्म करेंगे आराम से इस टॉपिक को। यहां तक किसी बच्चे का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं,
कुशल का क्वेश्चन है, सर एप्लीकेशन कौन सा है? एप्लीकेशन शिक्षा धाम है। मैं लिंक में आपको चैट में डाल देता हूं मैं, क्योंकि मैं किसी और आईडी से मैंने ओपन कर रखा है शिक्षा धाम, और मैं आपको लिंक भी दे देता हूं। ये लीजिए, डाउनलोड के लिए लिंक भी अवेलेबल हो गया। किसी बच्चे को डाउट, इस क्वेश्चन को मैं पूरा एक बार विजुअल करा देता हूँ आपको, ताकि आपको सारा एक बार में दिख जाए। आ जाओ भाई, कहाँ गए? अरे बहुत छोटा हो गए। चलिए, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा हो गया और छोटा करना पड़ेगा। शायद ना दिखे आपको। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन भी और आंसर भी मैक्सिमम पार्ट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, यहां से यहां तक। नीचे आपने देख ही लिया, किसी को कोई डाउट है? बस बिल्कुल 10 तक, रूपा 10 तक ही क्वेश्चन है, इससे आगे नहीं है। 10 नहीं, 11 और 12 भी दिया है। क्या बात कर रहे हो आप, देखिए बैक करके देखिए, 11 और 12 भी दिया है। किसी बच्चे को और कोई डाउट? सौरभ, महिमा, और किसी बच्चे को कोई डाउट तो जल्दी जल्दी बताइए क्या डाउट है। मैं डाउट लेने के लिए बैठा हूं, 11:30 बजने वाले हैं। और एक अनाउंसमेंट और, अगली क्लास आपकी है ट्यूसडे को, संडे क्लास नहीं होगी। और ट्यूसडे को होपफुली मैं क्लास लूंगा। 1% चांसेस है कि अगर ना ले पाऊं तो फिर मैं कोशिश करूंगा एक एक्स्ट्रा क्लास दूं मैं आपको। बाकी ट्यूसडे को है, कोर्स एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को लग रहा है जल्दी जल्दी करना, जल्दी जल्दी भाग के कहाँ जाना है, एक दिन गिर जाओगे जल्दी भागोगे तो आराम से करेंगे। कोर्स कब खत्म होगा? 15 मई से आपके एग्जाम है, मैं अप्रैल में कोर्स खत्म करा दूंगा, रिवीजन भी करा दूंगा। सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो, रिवीजन भी साथ के साथ होगा, टेस्ट वगैरह भी मैं डालूंगा एप्लीकेशन पे, तो आप बच्चे सॉल्व करके डाल सकते हो, ठीक है? और न्यू बच्चे जो एड ऑन हुए थे, मैं उससे आज बात करके सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। अफसीन, महिमा दुबे, नो सर डाउट नहीं, कोई भी डाउट नहीं है। चलिए बच्चे, चलते हैं अब। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। इस बार, अब की बार 70 पार, 70+ मार्क्स चाहिए। मैं सारी चीजें कराऊंगा, क्वेश्चन पेपर लेके आओगे उस दिन बता देना कि सर आपने जो कराया उसमें से ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर मैं मानूंगा। लेकिन टारगेट 70 अबव होना चाहिए, 75 तो आने ही चाहिए एक दो बच्चों के, प्लस 70 पार होने चाहिए आपके, ठीक है? कुछ बच्चे रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं क्योंकि इस टाइम आ नहीं पाते, रीजन वो जॉब कर रहे हैं, बोलते हैं सर हम रिकॉर्डेड देख रहे हैं। उन सभी बच्चों को जो कि रिकॉर्डेड क्लास भी लेते हैं, 70+ का टारगेट लेके चलना है। पेपर के बाद हर किसी को मैं इंडिविजुअली कॉल करके पूछूंगा एग्जाम कैसा गया, और आपका अच्छा जाए तो आप कॉल करके जरूर एक बार बता देना सर एग्जाम कैसा गया। चलिए बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर।